कोरोना वायरस ने आज दुनिया भर में कहर मचा रखा है। यह वीडियो बनाए जाने तक दुनिया भर के 16 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि 1 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में भी अब तक 6000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और करीब 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस वीडियो को बनाया जाना और इसका दिखाया जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप इतिहास में हुई गलतियों को ना दोहराएं। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को पालन न करने की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 1896 से 1939 तक बार बार फैलने वाले प्लेग से लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से केवल 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में मारे गए थे। इन दोनों ही मामलों में उस समय के ब्रिटिश शासन ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और बीमारी के बारे में एजुकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और इसका नतीजा करोड़ों लोगों की जान गंवाने से हुआ था। दरअसल उस समय भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी और लोग विज्ञान या वैज्ञानिक रिसर्च को नहीं जानते थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से जब 1918 में स्पेनिश फ्लू से लाखों लोग मर रहे थे तो लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेजों ने भारतीयों को मारने के लिए हवा में जहरीली गैस छोड़ दी है। इसके अलावा एक अफवाह यह भी फैली थी कि अंग्रेजी शासन का विरोध करने वालों को मारने के लिए यह बीमारी फैलाई गई है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब इस प्रकार की महामारियों ने हमें घेरा है तब तब हम इंसानों ने उन अननोन रीजंस की ओर उंगली उठाई है जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि धार्मिक कारण, नॉनवेज खाना, वैर विरोध, जातीय कारण या प्रशासन के खिलाफ दुष्प्रचार करना। 1897 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट लागू किया था, जिसके तहत मास सैनिटाइजेशन, रेलवे पैसेंजर्स की चेकिंग, सभी धार्मिक राजनीतिक आयोजनों पर रोक, सस्पेक्टेड पेशेंट्स को हॉस्पिटल भेजना और संक्रमित प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना शामिल था। उस समय भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेजी शासन के इन कदमों को गलत ठहराया था, लेकिन अब हालात बदले हैं। ज्यादातर लोगों ने अब समझदारी दिखाते हुए घरों में ही रहना ठीक समझा है, लेकिन जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें अब यह समझ जाना चाहिए कि अगर सोशल डिस्टेंस बनाकर नहीं रखा गया तो हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करीब 100 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए हमारा आपसे केवल यही निवेदन है कि स्टे एट होम एंड सेव लाइव्स।